समाचार यही मिला था कि तीन आदमी ले गए उनको जी, और उसके बाद उनको वापस उधर से नहीं लाए, मतलब माफ करो। यहाँ से आप डीएम साहब को आप देंगे, देने के बाद से यहाँ से एक सारी कार्रवाई होगी, ये ज्ञापन तो शुरू में होगा, इसके लिए पहले भी करना पड़ता है। ठीक 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 है सर, ये 31 नंबर कमरे में जाइए, आप दीजिए उनको एप्लीकेशन है, ज्ञापन शुरू में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। आज मैं मौजूद हूं कुशीनगर जनपद के बहोरापुर गांव में। यहां पे बहुत ही बड़ा दुखद समाचार है कि यहां पे मैं जो मौजूद हूं राजेंद्र पटेल जी के घर पे, इनके पुत्र रोशन पटेल जी को दुबई में कमाने के लिए गए थे और उनको वहां पे मर्डर कर दिया गया है, जिसको लेकर के मैं यहां आया हूं इनसे बात करने के लिए। इस शरीर को बॉडी मतलब उनकी बॉडी को यहां पे इंडिया में लाने के लिए क्या हो रहा है, आगे की कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ, वही सारी चीजों को लेकर के मैं यहां पे आया हूं जानने के लिए कहां तक कार्रवाई हुआ और नहीं हुआ। तो यहां पे इनके पिताजी बैठे हुए हैं, इनसे मैं थोड़ी सी पूछताछ कर लेता हूं कि अभी तक इसके बारे में क्या सुनवाई हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। हाँ, वो हमारे लड़के थे जो दुबई में काम करते थे। सबसे पहले नाम क्या आपका? राजेंद्र पटेल जी। आपके पुत्र का नाम? रोशन पटेल। आप हुआ क्या था कि उनको वहाँ पे मर्डर हुआ, अभी कोई समाचार आपको मिला था फोन के माध्यम से कि किस तरीके से वहाँ विवाद हुआ, क्या हुआ? समाचार यही मिला था कि तीन आदमी ले गए उनको जी, और उसके बाद उनको वापस उधर से नहीं लाए, मतलब मार्च करो नहीं छोड़ दिए जी। और वो किस कंपनी के माध्यम से गए थे पैसे कमाने के लिए? साबिता कंपनी के। साबिता कंपनी के लिए के माध्यम से गए थे? गए थे, दुबई में गए थे। दुबई में गए। चलिए, अभी तक क्या कार्रवाई हुआ आपकी उस पार्थिव शव को मंगाने के लिए इंडिया में? अभी आप डीएम कार्यालय जहां भी आपको सूचना देना था वहां पे आप क्या किए? हर जगह मैंने सूचना ज्ञापन दिया जी, लेकिन आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना आज तक बॉडी उनको मिला। ये कितना दिन हो गया इस घटना को घटित हुए? इस घटना को घटित हुए 10 दिन करीब हो गया। 10 दिन हो गया, 10 दिन। अभी तक तो ये पार्थिव शव है आपके घर तक इंडिया में नहीं आया? ना, ना मुझे डेथ सर्टिफिकेट मिला, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला जी, ना कोई फोटो मिला, ना उनका कोई मतलब कुछ नहीं मिला। किसको किसको आप सूचित किए अभी तक? अभी तो मैं सूचित किया हूँ सांसद जी को जी, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री को जी, उसके बाद जो है डीएम को जी, उसके बाद जो है कि विधायक जी को जी, और
थाने को भी कर दिया हूँ जी। चलिए यहाँ पे इन्होंने बता रहे हैं कि सभी जगह पे इन्होंने अपना जो पार्थिव शरीर मंगाने के लिए थाने से लेकर के और सांसद विधायक यहाँ तक कि डीएम कार्यालय तक भी यहाँ ने अपने ये ज्ञापन दिए हैं ताकि उस पार्थिव शरीर को मंगाया जाए। लेकिन अभी इस मर्डर केस 10 दिन हो गया लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा अगर कोई राज्य मंत्री या किसी मंत्री का अगर बेटा का इस तरीके से हुआ होता तो अभी तक उसका कार्रवाई हो गया होता। लेकिन एक गरीब इंसान गरीब किसान के बेटे का इस तरीके से वहां पे मर्डर किया गया है लेकिन अभी तक इसका सुनवाई क्यों नहीं हुआ है और कौन लोग हैं जो उनके साथ इस तरीके से घटना किए हैं और मर्डर किए हैं? कंपनी के वर्कर जिस कंपनी में हमारे बेटे काम करते थे जी। उसी कंपनी में भी तीनों काम करते थे जी। कंपनी के वर्कर ही हमारे बाबू के साथ मर्डर। अब वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं जो घटना का अंजाम दिए हैं? यह नहीं बता पाएंगे, कंपनी को मालूम है जी। चलिए इनको अभी ये नहीं मालूम है कि वो कौन लोग हैं जो घटना को अंजाम दिए हैं लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा सरकार से भी विनती करूंगा कि इनकी जो जल्द से जल्द इनका जो सुनवाई है उसको आगे किया जाए ताकि इनके जो बेटे का पार्थिव शव है इंडिया में लाया जाए। अभी 10 दिन हो गए लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और मेरे साथ और मौजूद है जनता दरबार चैरिटेबल के संस्थापक, इनसे भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, सबसे पहले तो बेस्ट न्यूज इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहोरापुर के पावन धरती पे आ पाए। बहुत दुखद घटना है, इस घटना को मैं जब जाना मनीष पटेल जी के द्वारा, राहुल भैया के द्वारा, तो मैं तत्काल मैं आया और हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे, हम लोग ज्ञापन भी दिए हैं और उनसे निवेदन भी किए हैं कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले क्योंकि काफ़ी यह परिवार परेशानियों से जूझ रहा है। जिस घर के गार्जियन स्वरूप बड़ा बेटा अगर इस दुनिया में न रहे तो उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा हम सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। विदेश उस भाई का मर्डर वहाँ होता है और 10 दिन हो गया कोई कार्य नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, यदि किसी बड़े दिक्कत का अगर इस तरह विदेश में कुछ होता है तो उसको तत्काल 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे शाम तक उसका शव वापस आ जाता है इंडिया। और एक गरीब परिवार का अगर कोई भाई बेटा लाल अगर उसके साथ घटना घटे 10 दिन है, इसके माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि तत्काल इस समस्या को संग लेते हुए तत्काल इनको दिलाने का काम करें। बताइए। नमस्कार, मैं सबसे इस सूचना को प्रकाशने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। करीब 10 दिन हो जिले में की सबसे मुख्य घटना साको पार गोरख जो यहाँ असनवासी राजेंद्र जी के दुमाने महीने पहले जिनका 2 साल तक का वहाँ एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट के दौरान ही उनकी क्या हो जाए होती है और हमें वर्कर यहाँ इनके पिताजी आया कि मजदूर आई हत्या हुई जिसमें सीसीटीवी कैमरे मोबाइल के माध्यम से और सौ को बरामद दिया गया रात तक शामिल पोस्टमार्टम करने के बाद। मगर जमीन ने मुद्दा किया कि अभी पार्थिव शरीर पाया पाया पार्थिव शरीर तक हिंदू संघ से मिलते हैं जिसमें सार अंतिम सार दासार होता है उनकी परिवार इच्छा है जो अभी नहीं हो पाई है। और यहाँ की सूचना की गई है और माननीय मंत्री जी को भी स्वागत कराया गया जनप्रतिनिधि के माध्यम से। काफी चीज कर काफी इंतजार है और पूरे गाँव में काकुल है ये अपना अंतिकार नहीं आ रहे हैं। बस आप माध्यम चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अन्य भी इसको प्रकाशन के और कहीं भाव आलारी को बना के पार्थिव आ सके जो उसके साथ साथ भी इनके सार्थिक सहयोग जो मिलना इस परिवार की क्योंकि जैसे कि इनके पिता ताई वो ऐसे व्यक्ति थे जो कमाने का बुजुर्ग है उनके छोटे वो भी कुछ करते नहीं होता है। छोटे बच्चे जो कि अभी 2 साल और एक छोटी बच्ची जिस जो कि लालन पालन के भी काफी समय जो इस तरह के ऊपर संतावना देना और उनके साथ
करना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं नमस्कार चाहूंगा कि रहने पे ग्राम सहोरा को अपना और यही कहना चाहूंगा कि परिवार होते हैं उनके साथ मैं संवेदना देता हूँ। हम सभी आप सभी ग्रामवासी और सभी ग्राम घर के लोगों के साथ है और यही सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि वो कहीं ना कहीं देरी कर रही है सरकार और हम चाहते हैं कि इस परिवार के साथ जल्द से जल्द जुड़े और इस बात को जल्द से जल्द मंत्रालय तक पहुंचाने का कार्य करें ताकि वो पार्थिव शरीर यहाँ पाए और अपने पिताजी जो उनके दुखी पिताजी हैं दुखी घर के लोग हैं उनको अच्छी प्रकार से जो आर्थिक मदद है जो भी सरकार द्वारा मदद दिया जाएगा और किया जाएगा। यही बहुत बहुत धन्यवाद। क्या किस तरीके से आपको जानकारी हुआ है और वहाँ पे किस तरीके से मर्डर हुआ है क्या इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोगों को रात को मैसेज मिला कि वो रोशन पटेल इस दुनिया में नहीं रहे, बस मैसेज मिला है। उसके अलावा हम लोग को मालूम नहीं। उसके बाद फोन किए सब, बोले कंपनी के आदमी उन लोगों का हत्या कर दिए रोशन का, और न डेथ सर्टिफिकेट मिला है और न कोई फोटो मिला है जी। हाँ चलिए, कहीं ना कहीं इनके अंदर वो दुख भरी बातें निकल रही है तो मैं इनसे ज्यादा नहीं पूछताछ करूंगा और मैं सरकार से भी बार बार यही मैं बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें और पार्थिव शरीर को इंडिया में लाने का काम करें।